सीताराम, खूब भजन करो मन में। राकेश पीछे नाम से, पीछे के नाम से राकेश नाम की अर्जी, राकेश नाम की अर्जी। नीली सी शर्ट पहने हुए पीछे बैठे हुए हैं, लास्ट में बैठे हुए हैं, लास्ट के पंडाल के नीचे बैठे हैं, आ जाएं। है क्या है? हाथ हलाओ। राकेश हो, कम हेयर माय डियर, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा क्विकली। आजकल हमारी भी अंग्रेजी बहुत तेज हो गई, बहुत तेज हो गई। इसके बाद बेल्ट पर्स नहीं चाहिए हमें। माताजी जो चेयर पर बैठी हैं आपके साथ में कौन है बहन जी? भेज दीजिएगा उनको साथ में जो भी है। हाँ वो उनके साथ में आप हो, आ जाइए। अब देखो एक लफड़ा फंस गओ, अब नौ लफड़ा जो फंस गओ कि दो राकेश आ गए। फंस गओ दो आ गए का, तैं भी राकेश ही आ रहो का। अच्छा तैं भी आ। एक काम करिए, एक जन को पर्चा बनाइए कि दोनों को? एक पर्चा बन है लेकिन दोनों को निकाल है। पर्चा एक बन है, निकर है दोनों को, दो ही संगे आ जाओ। उनमें से जो भी बताओ जो है कि अर्जी की लगी थी। सीताराम, दोनों नजदीक आओ। आप में से कर्मकांड की यात्रा में कौन है? जी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, कर्मकांड पूजा पाठ कहलाता है, करिया कांड नो ही हमने कही। जी अच्छा, माइक लो। आपका नाम? राकेश नाम है। पिताजी का नाम? किशोरा। अच्छा जी, कहाँ के हो भैया? इतना का कर रहा हो? राजस्थान जो तुम राजस्थान में रहते हो क्या? कहाँ? तोरी भाषा तो बुंदेलखंडी सी है। अद्भुत बात। अब तुम लो भाई साहब, तुम कहाँ के हो? राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ के हो सर? अच्छा जी, अच्छा जी, क्या प्रश्न है आपका? आप पहली बार आए हैं? अच्छा, आप पहले कभी दरबार गए हैं? इनको माइक दीजिए। अच्छा, एक बार धाम गया था, यहाँ पर आया। ओ हो हो, एक बार धाम गया था। वाह बहुत अच्छा है। हनुमान जी की पूजा करते हैं प्रतिदिन करते हैं? तो आप यहाँ कब से हैं हरियाणा में? मुझे हो गए 4 साल हो गए। वाह, आप कुछ पूछें? पढ़े लिखे हो आप? दोनों नजदीक आओ, कोई नहीं, नजदीक आ जाओ। पहले तुम्हें पढ़वा दें, पहले तुम पढ़ लो नजदीक। अच्छा, मन अशांत राकेश किशोर पिता का नाम, साधना सफल होगी व कार्य पूर्ण होंगे, पिता सही रहेंगे। एक काम रुक गया, जमीन का विवाद आपका चल रहा, मुकदमा पक्ष में होगा व आप जो दबंग हैं उन्होंने उपद्रव किया है, आपके परिवारजन भी उसमें लगे हुए हैं। माइक नजदीक, परिवारजन लगे हुए हैं और गुड्डू नाम का वकील इसमें सफलता दिलवाएगा, आशीर्वाद। जी बागेश्वर धाम जाने के बाद एसडीएम ने तत्काल दस्तखत कर दिए थे, फिर इसके बाद वकील
हमने बकी हमने वकीले पे फोकस करो, हमने एसडीएम पे फोकस नहीं करो। हाँ, हमने कहा गुड्डू वकील कृपा कर दे, चिंता ना करो, हमारे लोग आ गई बात। अब बब्बा जी लाज रख, तुम पीछे हो जाओ, अब इन्हें दे दें, फिर फार के दें। सर पढ़िएगा, कृपा होगी चाची का प्रश्न लेकर के आए हैं। मूक बंद है, बाणी रुक गई है, जवान रुक गई है, उनकी वाणी रुक गई है, मूक बंद है, ठीक होगी, देवी उपाय करवा दें, आशीर्वाद है। धाम की पेशी करनी है। तुम्हारे पिताजी के पैरों में दर्द होता है, है? ठीक, धाम की पेशी करनी, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। तुम माइक लो और ऊपर। एक तुम्हारा खुद का प्रश्न आया है, आपने तीन अर्जियां लगाई हैं बैठे बैठे। पहला, काम रुक रहे हैं, घर में परेशानी बनी, व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, कोई काम ऐसा हो जाए, ऐसी अर्जी आपने डाली। तो नौकरी करें या व्यापार, इस दुविधा के विषय को लेकर आप हमारे पास आए, हाँ या ना? आप बिजनेस की तरफ जाइए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। सीताराम, अब हम आपको ये पहले तो ये पर्चा, हम पूरा मंत्र भी हमने लिखा दोनों के लिए एक ही मंत्र। आप पर्चा इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए, फिर बीच में वो फाड़ें दे, इसे दो ही जाना दें दे। इतो सो बनो, तुम आओ दिखाइयो, इतो सो तुम आओ, भी वही मंत्र है, हम ऊपर उते लिखवा लियो, यही कि नीचे को मंत्र तुम्हें भी उतार है। लियो तुम आओ, जमीन को केस हो जाए, कछु परसेंटेज हमें दे दियो, है? अर्जी तुम्हारी लगी, आशीर्वाद। उठ बैठ, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कह दिया था कि अर्जी लग जाएगी, गजब बात है। तुम्हें भी जाना तो नहीं है तुम्हारे पिताजी, कहूँ हमारी शक्ति तो नहीं पहुंच गई उन लोग, हमारी शक्ति तो नहीं उन लोग पहुंच गई। अनपढ़ी आदमी है, देश में राज कर रहा, पढ़े लगे तो आगे के लगे लाइब्रेरी में फंसी रहा। हाँ, जितने पढ़े लिखे हैं बेनाए आए हुई हैं थे, ज्यादा पढ़े लिखे, अरे काम मचो ऐसा हो सकत कहूं, लेकिन जब उनकी घर आइय करा तब उन्हें समझ में आऊ।